Talent was never inbuilt from birth. It was always created during the lifetime. A person is talented only when he has the talent to express his talent. मयब्रह्म और हेमरेखा की पुत्री मंडोदरी से रावण विवाह करने के बाद रावण ने धन्यमालिनी से भी विवाह किया। मान्यताओं के अनुसार धन्यमालिनी मंडोदरी की बहन ही थी। धन्यमालिनी से विवाह करने के बावजूद रावण ने मंडोदरी को ही लंका की महारानी का दर्जा दिया था। मंडोदरी उस काल की अत्यंत सौंदर्यवती थी। उनकी सौंदर्यता का वर्णन ऐसा भी किया गया है कि जब हनुमान जी सीता को खोजते हुए लंका में प्रवेश कर सभी महल में सीता को ढूंढ रहा था तो एक महल में मंडोदरी को देखकर सीता समझा। फिर मंडोदरी के चेहरे पर खुशी देखकर श्रीराम से दूरी अनुभव करने वाली सीता खुश नहीं रह सकती सोचकर फिर सीता को तलाशने लगे। मंडोदरी जैसे ही रावण की दूसरी पत्नी धन्यमालिनी भी सौंदर्यवती और संगीत नृत्य विद्याओं में प्रवीण थी। धार्मिक और सात्विक स्वभाव वाली थी। रावण से धन्यमालिनी को नरांतक देवांतक और त्रिसिर नामक तीन पुत्र हुए थे। जिस दिन धन्यमालिनी को देवांतक नरांतक नामक जुड़वा संतान हुए थे उस दिन मूल नक्षत्र था। पंडितों ने कहा कि जो भी उस नक्षत्र में जन्म लेंगे उनके कारण कुल का नाश होगा। तब रावण ने आदेश दिया था कि देवांतक और नरांतक के साथ साथ जो भी लंका में उस नक्षत्र में जन्म लिए उन सभी को नदी में फेंक दिया जाए। रावण के आदेश का अनुसरण किया गया तो भी सभी बच्चे मरे नहीं। नदी तट पर स्थित वटवृक्ष के पत्तों से चिपक कर दूध पीते रहे। दुष्ट का अंत उतना आसान नहीं जैसा ठीक 7 वर्ष बाद यह राक्षस बच्चे पुष्ट और तंदुरुस्त होकर नदी प्रवाह के साथ बहते हुए गंगा के संगम स्थान पहुंचकर ब्रह्म जी की कठोर तपस्या कर ब्रह्म जी प्रत्यक्ष होने पर किसी भी युद्ध में उनकी हार नहीं होने का वर मांगे। लेकिन ब्रह्म जी भालू और वानर जातियों को छोड़कर सबसे विजयी रहने का वर दिया। भालू और वानर जैसे सात्विक और कमजोर जातियां उनके जैसे अति बलवान को कुछ नहीं कर सकते हैं समझकर अति आत्मविश्वास से वहीं पर नगर बसाकर अपने साथियों के साथ रहने लगे। रावण को इस बात का पता चला और उन्हें राम रावण युद्ध के लिए आमंत्रण भी भेजे। तब देवांतक नरांतक अपनी सेना के साथ लंका की ओर चल पड़े। युद्ध के दौरान कुंभकर्ण ऐरावण और रावण के पुत्र मेघनाद की मृत्यु के पश्चात देवांतक और नरांतक युद्ध में शामिल होकर वानर सेना को कई पीड़ा पहुंचाए। फिर हनुमान जी और वाली के पुत्र अंगद देवांतक और नरांतक को मारने की जिम्मेदारी लेने से आखिर में हनुमान जी के हाथों में देवांतक का और वाली पुत्र अंगद के हाथों में नरांतक की मृत्यु हुई।